वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम साइंस का 2018 में जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था उसका सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। इस शिफ्ट में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बैंक आपके 2023 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 के एग्जाम में जो है 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो दंत विशेषज्ञ जो उपयोग करते हैं दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, वो अवतल दर्पण रहता है। कौन सा रहता है? अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन जो है गाड़ी के साइड मिरर में अगर पूछेगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और गाड़ी के हेडलाइट में अगर पूछेगा तो वहां भी अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर पूछेगा कि किस दर्पण का जो है दृष्टि विस्तार अधिक होता है, ठीक है, तो वो उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार अधिक होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर का है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल लेंस, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए कन्फ्यूजन, अपसारी लेंस अगर पूछेगा तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, अभिसारी। लेकिन दर्पण में इसी का उल्टा हो जाता है, अवतल दर्पण को कहेंगे अभिसारी, और क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को कहेंगे अपसारी, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाता है, लेंस में अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। लेकिन दर्पण में अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण, और क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं, क्लियर करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन नंबर की, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षांबी, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना, दृष्टि पटल। तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो आयरिस या परितारिका, उसी को परितारिका कहते हैं, आयरिस को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, परितारिका, इसी को क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आयरिस या परितारिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चार नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकली लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और मोतियाबिंद। तो जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस रहता है, और उससे का व्यवहार किस में करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष में व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। इसका जो होता है ऊपरी सतह, क्या कहते हैं, बायफोकल लेंस का ऊपरी सतह अवतल होता है और निचला सतह उत्तल होता है, इसमें दोनों लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो किसका हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए पूछेगा किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस हो जाएगा निकट का, ठीक है। और दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोनों याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। देखिए 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। तो यू और भी दोनों हमको रहना चाहिए, यानी दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, और दर्पण और बीम के बीच की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी और क्या कहते हैं वस्तु की दूरी, दोनों की दूरी हमको, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दोनों की दूरी हमको ज्ञात रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ज्ञात होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह नंबर क्वेश्चन है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी का क्या फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक है। तो फोकस दूरी कितना रहना चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हमको व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सात नंबर की, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का सह मात्रक है? वोल्ट ओम प्रति वोल्ट प्रति कूलम एम्पियर। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है ये क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वोल्ट। अगर ओम पूछेगा तो ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया, किसका? प्रतिरोध का। और ये एक याद रखें, एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक, किसका है? विद्युत धारा का। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। प्रतिरोध का हो गया ओम, और विद्युत धारा का क्या हो गया? एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
आठ नंबर क्वेश्चन है कि लघु पतन, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट, जिसमें क्या गर्म का तार और ठंडा तार सटने से क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है, के समय लघु पतन में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय क्या होता है विद्युत धारा का जो मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत धारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरमुखी। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो ऊपरमुखी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन दस नंबर है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होती है। तो ये जो परिवर्तित होती है विद्युत धारा, जो ये क्या होता है दो परिवर्तन के बाद, दो परिभ्रमण के बाद, एक परिभ्रमण के बाद आधे या चौथाई, तो ये जो बदलता है विद्युत धारा की दिशा ये आधे परिवर्तन के बाद ही बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आधे परिवर्तन परिभ्रमण के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है किसी विद्युतीय धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, सिरे इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। तो विद्युतीय धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये हमेशा हर एक जगह क्या होता है समान होता है, यानी सभी बिंदुओं पर समान होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी इजी है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था क्या था, वृक्षों को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, CaSCO3 का होल टू, COH का होल टू, NaOH, NaSCO3। तो विलयन जिसका उपयोग हम क्या करते हैं दीवारों पर पुताई करने के लिए करते हैं वो क्या होता है COH का होल टू, यानी बुझा हुआ चूना, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा COH का होल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि Na2SO4+BaCl2 ये अभिक्रिया करके BSO4+2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया, ये देखिए क्या करता है यहाँ दो तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। ठीक है, NaSO4 के साथ था तो क्या हो रहा है NaCl के साथ हो रहा है, और BaCl के साथ था तो BaSO4 के साथ हो रहा है। तो क्या दो तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा था, ये क्या हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल टू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा COH का होल टू। बिना बुझा हुआ चूना का अगर सूत्र पूछेगा तो उसका CaO हो जाता है बिना बुझा हुआ का। ठीक है, CaSCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो लवण का जो मान होता है 7 होता है, लेकिन कुछ ऐसा लवण है जिसका मान क्या होता है थोड़ा 7 से अधिक होता है और कुछ का 7 से कम होता है। तो Na2CO3 जो है इसका जो है pH मान ये 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये क्षारीय प्रतिवर्ती का होता है। ठीक है, इसमें कुछ क्षारीय गुण होता है। ठीक है, इसलिए इसका pH मान जो होता है 7 से थोड़ा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर पे कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तांबा, जस्ता, अल्मोनियम, लोहा। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, अल्मोनियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो लोहा इस्पात जितना भी है इसको सुरक्षित रखने के लिए इस पर किस धातु का परत चढ़ाते, तो जिंक का चढ़ाते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? विरंजक चून, जिप्सम चूना, पत्थर कच्चा चूना। तो क्या करते हैं, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जिप्सम को हम गर्म करते हैं, कितना डिग्री पर, 373 डिग्री पर गर्म करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 H2O प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, थोड़ा स्ट्रक्चर वाला था, इसमें हम क्या कहते हैं टाइप नहीं कर पाए इसलिए छोड़ देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉल, इनमें से कोई। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है, एथेनोइक। अगर पूछेगा मेथेनोइक अम्ल का किसका IUPAC नेम है, तो ये है फॉर्मिक अम्ल का, किसका है, फॉर्मिक अम्ल का। फॉर्मिक अम्ल का ही क्या होता है IUPAC नाम, मेथेनोइक अम्ल होता है, और एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, दोनों याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि विद्युतीय अपघटनी परिकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्ध धातु क्या बनाया को बनाया जाता है, एनोड को अशुद्ध धातु का बनाया जाता है, ठीक है, और कैथोड जो होता है ये शुद्ध धातु का होता है, दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, डोवेनायरन, न्यूलैंड, मेंडलिप, मोजिले। तो अष्टक नियम जो दिया था ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और तिर्यक नियम पूछेगा तो ये डोवेनायरन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, लेकिन पूछेगा कि सबसे पहले जो आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो मेंडलिप के द्वारा किया गया, लेकिन वर्तमान में किसका आवर्त सारणी है, तो मोजिले का आवर्त सारणी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, तीनों याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन, परमाणु साइज का आवर्त फलन, परमाणु आयतन का आवर्त फलन। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर आधारित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लेकिन मेंडलिप का जो आवर्त सारणी था, ठीक है, मोजिले से पहले, ठीक है, उसका क्या था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, लेकिन मोजिले का जो वर्तमान आवर्त सारणी है ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र के विलयन को नीला कर सकता है, ठीक है, H+ OH- Cl- O2-, ठीक है, तो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, लाल को नीला कर रहा, तो लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, और क्षार क्या करता है, कौन सा आयन देता है जल में घुलने के बाद, तो OH- देता है, लेकिन अगर अम्ल रहता तो वो जल में घुलने पर H+ आयन देता, ठीक है, लेकिन क्षार क्या देता है, OH-, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा जाएगा, क्षार, तो यही क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की पादप में जल जाइलम उत्तरदायी है, जल का संबंध, भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। पादप में जाइलम, जाइलम आ गया, जाइलम क्या करेगा, जल का वहन करेगा, लेकिन फ्लोएम पूछता तो वो क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, ठीक है, दोनों याद रखिए, जाइलम हो गया जल का संबंध और फ्लोएम क्या हो जाएगा, भोजन का संबंध, ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ADP, ATP, DTP, PDP। तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में ATP को कहते हैं, किसको कहते हैं, ATP को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इजी है, कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, शिरा, रंध्र, महाशिरा, इनमें से कोई। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर के, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, अलिंद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रक्त जो होता है क्या कहते हैं, बायां अलिंद से निकल के दायां नीले में जाता है, और दायां नीले ही पंप करके क्या करता है, महाधमनी में भेजता है, फिर महाधमनी क्या करता है, विभिन्न धमनियां में भेजता है, फिर विभिन्न धमनियां क्या करता है, छोटी धमनियों में भेजता है, फिर छोटी धमनियों से कहां जाता है, धमनी कोशिका में जाता है, और उसके बाद अंग में जाता है। तो क्या करता है, तो बायां अलिंद ही पंप करता है, बायां नीले पंप करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नीले पंप करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31 नंबर कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सेसिक अम्ल, जिबरेलिन। तो पत्तियों को जो मुरझाता है वो एब्सेसिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एब्सेसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन। तो जड़ का जो होता है ये पृथ्वी के विपरीत जाता है, ठीक है, तो अंदर की ओर जाता है, तो गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पत्तियों में पूछेगा, तना में पूछेगा, या
क्या कहते हैं शाखा में पूछेगा तो उसमें प्रकाश की ओर गति होती है, ठीक है। देखिएगा जिधर प्रकाश ज्यादा रहता है उधर पेड़ का झुकाव हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पत्तियों और पूछेगा तना में टहनी में, इसमें क्या हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा, लेकिन जड़ में क्या हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ जड़ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा या पर मस्तिष्क का हिस्सा। तो ये पॉन्स मेडुला अनुमस्तिष्क जो है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वमन, चबाना, लार आना, हृदय की धड़कन। वमन का मतलब उल्टी हो गया, ये हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता तो ये क्या हो गया अनैच्छिक हो गया। चबाना, चबाना हम अपने इच्छा से चबा सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा, लेकिन लार आना ये क्या ये हो जाएगा अनैच्छिक, मेरे इच्छा से नहीं होता। हृदय की धड़कन भी क्या हो जाएगा अनैच्छिक, लेकिन चबाना यहाँ हो जाएगा ऐच्छिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 नंबर कितना बार कराएं, बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछ ही देता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेस्मिनिया में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन जो होता है ये ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। तो गर्भाशय और अंडाशय स्त्री का है लेकिन शुक्राणु कहाँ होता है पुरुषों में होता है, तो ये क्या हो जाएगा वृषण में इसका निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, परागकोष, वर्तिकाग, वर्तिका, अंडाशय। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो अंडाशय फल बनाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 38 नंबर का क्वेश्चन हमको कन्फ्यूजन है, थोड़ा देख लेंगे उसके बाद डिस्कस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 39 नंबर की, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग में होते, युग में पूछे गया मतलब जोड़ा पूछ रहा है 21, 22, 23, 46। तो अगर युग में पूछेगा जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा, लेकिन कितना पूछेगा कितना संख्या है गुणसूत्रों की तो तब 46 हो जाएगा, लेकिन जोड़ा में अगर पूछेगा तो 23 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चालीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, घास, पुष्प, चमड़ा, मतलब जो गल सड़ सकता है उसको पूछ रहा है। तो घास, फूल, पुष्प ये भी सड़ सकता है, चमड़ा भी सड़ता है, ठीक है। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, यहाँ नहीं प्लास्टिक नहीं सड़ता तो ये नहीं होगा, यहाँ रबड़ है ये भी नहीं होगा, लेकिन डी में केक, लकड़ी एवं घास तीनों आसानी से गल जाता है, लेकिन चमड़ा थोड़ा लेट से गलता है, तो ऑप्शन नंबर डी को लेकर चलिए। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ जो ये भी सब गल सकता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ ये बहुत आसानी से गल सकता है, ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।